मिस्टर स्टार्क, वॉशिंगटन डीसी। हम वहीं से बहस शुरू करें जहां छोड़ी थी। मिस्टर स्टार्क प्लीज। हाँ डार्लिंग। क्या मेरी बात पर ध्यान देंगे? आप ही पे ध्यान है। हमें ये बताइए कि आपके पास कोई भी विशेष हथियार है या नहीं? मेरे पास नहीं है। आपके पास नहीं है? मेरे पास तो नहीं है, पर निर्भर करता है आपके हथियार शब्द का क्या मतलब। वो आयरन मैन नाम का हथियार। मेरी मशीन कोई हथियार नहीं है जनाब। फिर आप कैसे अपनी मशीन का विवरण करेंगे? इसका विवरण सीधा सीधा इसकी परिभाषा में मौजूद है। परिभाषा? ये एक उत्तम तकनीकी नकली अंग है। देखिए, मेरी मशीन का इससे बेहतर विवरण नहीं हो सकता है। ये हथियार है मिस्टर स्टार्क, आपको गलतफहमी हुई है। सच में आप इस कुर्सी पर बैठकर अमरीकी लोगों का भला सोच रहे हैं? हम सिर्फ आयरन मैन को पाना चाहते हैं और आप इस हथियार को अमरीका की जनता के हवाले। ये आप भूल जाइए, मैं ही आयरन मैन हूँ। वो सूट और मैं एक ही है। उसे आपके हवाले करने का मतलब खुद को आपके हवाले करना, और अगर मैंने ऐसा किया या तो मैं आपका गुलाम हूँ या फिर वैश्या। तो जो आपको चाहिए जनाब वो आपको नहीं मिल सकता। देखिए मैं कोई एक्सपर्ट नहीं। वैश्यागिरी में कैसे हो सकते हैं आप, सेनेटर हैं, कम ऑन। देखिए मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हमारे बीच यहाँ कोई ऐसा है जो हथियारों के क्षेत्र में एक्सपर्ट है, और मैं बुलाना चाहूंगा जस्टिन हैमर को, जो मौजूदा हथियारों के प्रमुख कॉन्ट्रैक्टर है। सदन के रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए कि मैं देख रहा हूँ मिस्टर हैमर तो यहाँ मौजूद है, लेकिन जिक्र किया गया है एक्सपर्ट का। वो एक्सपर्ट मुझे यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहे। ठीक कहा, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं आपसे सहमत हूं टोनी, और आपकी तरह चमत्कारी भी नहीं। सेनेटर, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहूं। मैं मानता हूं मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, पर आप लोग जानते हैं एक्सपर्ट कौन है? आपके डैड हाउवर्ड स्टार्क। दरअसल वो हम सबके गुरु हैं और हमारी मिलिट्री में नए युग के जन्मदाता भी। पर एक बात साफ कर ले, वो कोई हरफन मौला नहीं थे, वो एक शेर थे। हम सब जानते हैं हम यहां क्यों हैं। पिछले 6 महीने में एंथनी स्टार्क ने एक हथियार तैयार किया है जिसकी बेशुमार संभावनाएं हैं, पर उसका मानना है कि ये एक कवच है। वो हमें यकीन करने को कहता है जैसे हम उससे डरते हो। काश तुम मुझे समझा सकते एंथनी, मैं भी यही चाहता हूं। हम भी आंख मूंद कर सब पर भरोसा करना चाहते हैं, पर अब जमाना वो नहीं है। आपको पता है हम रह रहे हैं खतरों से भरी दुनिया में, जिसका अंदाजा मिस्टर स्टार्क को शायद ना हो। शुक्रिया। गॉड ब्लेस आयरन मैन, गॉड ब्लेस अमेरिका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर हैमर। आप कमेटी सदन में बुलाना चाहेगी लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स रोड्स को। रोडी? क्या कैसे हो दोस्त, तुम यहाँ कैसे? सुनो, मुझे यहाँ बुलाया गया है, इस बात को मान लो। हाँ तो आगे बढ़े। हाँ तो ठीक है, मतलब अब बस करो। हाँ बस। मेरे सामने पूरी रिपोर्ट है आयरन मैन नामक हथियार पर, जिसे पूरा किया है कर्नल रोड्स ने। और कर्नल, सबकी जानकारी के लिए क्या आप प्लीज पढ़ेंगे पेज नंबर 57 पैराग्राफ 4। क्या आप चाहते हैं कि मैं रिपोर्ट का सिर्फ एक खास हिस्सा पढ़ूं सेनेटर? जी बिल्कुल, पर मैंने तो ये सोचा था कि गवाही देते वक्त मैं अपनी पूरी रिपोर्ट आपके सामने पेश करूं। हाँ ठीक है, पर आज परिस्थिति अगर मैं एक हिस्सा पढ़ता हूं तो आपको क्या लगता है ऐसा करने से मामले का पूरा खुलासा? आप सिर्फ पढ़े, मैं समझ सकता हूं। थैंक यू। ठीक है, क्योंकि आयरन मैन किसी भी सरकारी विभाग से संबंध नहीं रखता, इसी कारण से वो देश के हितों के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए खतरा है। बहरहाल मेरी रिपोर्ट के मुताबिक नुकसान कम फायदा ज्यादा पहुंचाता है, इसलिए मेरी राय में हमारे लिए यही बेहतर होगा कि मिस्टर स्टार्क को हमारी मौजूदा फौजी कमांड में बाइजन शामिल तो नहीं होना चाहता, लेकिन अगर आप बहुत कहेंगे तो मैं सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बन सकता हूं, लेकिन कितने घंटे काम करना मैं तय करूंगा। मैं चाहता हूं सैटेलाइट की तस्वीरें जो आपकी रिपोर्ट से वास्ता रखती हैं, उन्हें यहां दिखाया जाए। देखिएगा, मुझे नहीं लगता कि इन सैटेलाइट तस्वीरों को इस वक्त मैं आम पब्लिक के सामने लाना मुनासिब है। फिर भी उसके बारे में अगर आप कुछ बताएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। तस्वीरें दिखाओ। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो मशीन नजर आ रही है, ये मिस्टर स्टार्क के सूट की नकल बनाने की कोशिश है। इस रिपोर्ट की पुष्टि हमारे सहयोगियों ने और लोकल इंटेलिजेंस ने कर दी है। वो कहते हैं कि वो नकली लोहे के सूट इस वक्त शायद इस्तेमाल के लिए तैयार है, जो खतरनाक है। एक सेकंड रुको दोस्त, मुझे देखने दो, कुछ काम का है मेरे पास। अब तस्वीरों का कंट्रोल मेरे हाथ में है। ये देखो। नहीं, वक्त आ गया जनता को बताने का। इस वक्त नहीं देखते हकीकत में क्या कर क्या रहा है। जरा पर्दे पर नजर रखिए जनाब, और देखिए कि इस वक्त ये शायद नॉर्थ कोरिया है। बंद करेगा, बंद कीजिए इसे। ईरान,